हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिता शोकन एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्री की क्या फीचर्स हैं? तो आप सोचोगे ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके। नहीं, पहले हमने क्या किया था, जब हम आजाद हुए थे या जब हमने दूसरी फाइव ईयर प्लान में 1956 में हमारी जो औद्योगिक नीति अपनाई थी, उस समय हमारी क्या विशेषताएं थी उद्योगों की, ये हमने किया था। तो स्टार्टिंग में हमारे उद्योगों की कुछ अलग विशेषताएं, लेकिन ये विशेषताएं क्या है आज एट प्रेजेंट टाइम हमारे उद्योगों की क्या सिचुएशन है? क्या आज हम सरपट, हमने कहा था कि जब हम आजाद हुए हमें ये शिशु अवस्था में मिले थे, तो क्या आज हमने इनको एक जो यंग मैन है वो बना दिया है? ये आज भी वो शिशु अवस्था में नहीं है? क्या वो सरपट दौड़ के अपना जो जिस स्थान पर उनको पहुंचना, वहां पर पहुंच सकते हैं, या आज भी वो लड़खड़ाती हुई स्थिति में? ये हम इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में अब देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, येट नॉट द पायनियर सेक्टर, अब भी क्या है ये हमारा आगे चलने वाला सेक्टर नहीं है, अग्रगामी क्षेत्र नहीं। हालांकि ठीक है, हम कहें कि जो हमारी GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें इसका हिस्सा बड़े अहम, ठीक है, रोजगार भी दिलाने में ये सक्सेसफुल रही है, इसके कारण एग्रीकल्चर का भी विकास हुआ, वहां भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन आज भी हमारी अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई। ठीक है, 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था भारत की बन गई है, लेकिन जो दायरा हम प्राप्त करना चाहते थे आज भी उससे हम काफी दूर हैं। जितने लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए वो आज भी नहीं। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जब तक हम कृषि पर, हमारी इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड रहेगी, तो तब तक आज भी हम 52% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या एक इस एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, जबकि दूसरे देशों में क्या हो, 2%, 3%, 10%, 13%, तो एज कंपेरिजन, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई। आज भी हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही हमारी है। तो इसलिए कहेंगे आज भी हमारे जो उद्योग हैं वो अग्रगामी क्षेत्र नहीं है, वो आज भी एज कंपेरिजन अदर कंट्रीज आज भी हम बहुत ही पीछे हैं, हमारा स्थान बहुत पीछे आता है। हालांकि राष्ट्रीय आय में, GDP में, हर जगह पर इसका पहले की तुलना में समय के साथ साथ योगदान बढ़ता गया है। नेक्स्ट है, नॉट इवनली सेपरेट अक्रॉस डिफरेंट रीजंस। तो क्या है कि विभिन्न जो राज्य हैं या विभिन्न क्षेत्रों में ये समान रूप से नहीं फैला। देखो, अब हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वो क्या है, एक औद्योगिक नगरी है, लेकिन बात करें हम अन्य क्षेत्रों की, लेकिन हम बात करने लग जाएं बिहार की, उड़ीसा की, तो वो तो क्या है, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो जो औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्य हैं, वहां तो क्या है, वहां की पॉपुलेशन को तो वहां पर रोजगार मिल जाता है, वो तो अपने आप क्या हो जाते हैं, एडवांस्ड एरिया बन जाते हैं, क्योंकि जब उनको रोजगार मिल गया तो उनको वहां से आमदनी मिलेगी, आमदनी मिलेगी तो उनको सेविंग भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, वो सर्कल चलना स्टार्ट हो गया, वो डिमांड भी करेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र में ये उद्योग है ही नहीं, वहां के लोग तो क्या है, बेरोजगार है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, कोई फॉरेन में चला जाता है, कोई दूसरे स्टेट में जाता है, तो वो रोजगार की तलाश में क्या है, इधर उधर भटक रहे हैं। तो वहां पर जहाँ पर रॉ मटेरियल है, जो डेवलप्ड है हमारे एरिया, जिसमें हमारे रोड पक्के हैं, उनमें तो ठीक है, ये है हमारे, इस तरह से हमने महाराष्ट्र का वो औद्योगिक नगरी बन गई है। लेकिन हमने कहा कि बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उद्योग है ही नहीं, तो उस पर बिहार और उड़ीसा का हमने एग्जाम्पल लिया। तो अब हम दोनों में देखें, क्या दोनों में विकास की जो रेशो है वो समान है, नहीं। तो इस प्रकार हम कहेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही है इस प्रकार से, तो विभिन्न राज्यों में। तो आज भी हम 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारा क्या है, ये हाल है कि सभी जगह हमने बैलेंस्ड नहीं बनाया है, उद्योगों की दृष्टि से बैलेंस ग्रोथ हमें नहीं की है। कॉम्पिटेटिव एज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हाँ ये है कि हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है
वो क्या है, कॉम्पिटेटिव हैं, कि दूसरों से वो कंपैरिजन में क्या होती हैं, हमें लगता है कि हमारी जो है इन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख लिया है, अपनी कॉस्ट को एज कंपैरिजन टू देयर राइवल क्या कर लिया उन्होंने, रिड्यूस कर लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो वो आज भी क्या है, वही पुराने यंत्रों का प्रयोग कर रही हैं, उनकी जो प्रतिस्पर्धात्मक जो अक्षमता है वो आज भी बहुत ही पीछे है वो मार्केट से। यही एक क्षेत्र ऐसा था जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खपा सकता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा, लेकिन वहां आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा और वो पीछे पिछड़ता जा रहा, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मार्केट में वो टिक नहीं पाता। तो जो हमारे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री है, ये आज भी बढ़िया स्थिति में नहीं, ये खत्म होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। ठीक है, हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हमारी क्या है, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक जो अक्षमता है वो ठीक हो गई है, दूसरे देशों से वो टक्कर लेने के लिए तैयार है, भिड़ने के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो इसके कारण हम किसी भी देश के प्रोडक्ट से हमारा सामना होगा तो वहां हमारी कॉम्पिटेटिव लेवल हमारा इक्वली है, वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन हम जब हम बात करते हैं हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज आज भी नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है हमारा, एमएनसीज आर एमर्जिंग एज मोनोपोलीज। तो देखिए एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो कौन सी होती है, जो जिनका विस्तार जो एक क्षेत्र में नहीं, वो दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में है। ये क्या करती हैं, वहां की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर भी उनको ठेके पे ले लेती हैं, वहां से प्रोडक्ट करके अपना मार्का लगा करके उसको पूरे वर्ल्ड में बेचने का काम करती हैं। तो ये उन्हीं जगह पर स्टेब्लिश करती हैं अपनी कंपनियों को जहां उनको वर्कर क्या है चीपर मिल जाते हैं, तो ये उस चीज का फायदा उठाती हैं और बिल्कुल लो कॉस्ट पर जो प्रोडक्ट है वो करवा देती पूरी दुनिया में अवेलेबल। तो इसलिए ये मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है, ये हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनके लिए खतरा है, उनके सिर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, जितना इनका ज्यादा विस्तार हो रहा है हमारी कंपनियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है ये क्या हो रही है, मोनोपोलिस्ट के रूप में उभर कर आ रही, एकाधिकार साबित कर लिया, पूरी दुनिया में इनका सिक्का चल रहा है। तो जब इनका सिक्का चलेगा, हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं वो इनसे कंपटीशन नहीं कर पाती, वो मार्केट से बाहर होती जा रही है। तो आज भी यही हाल है। फिर है टेक्नोलॉजी की बैकवर्डनेस। अब हम जब बात करते हैं, पहले मैंने कहा कि हम न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीख गए, हम बेटर टेक्निक्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी अदर कंट्री की, तो वो हमसे 10 कदम आगे है टेक्निकली, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री है, इसलिए उनकी कॉस्ट भी हमसे काफी कम आती है। आज भी हम छोटे से छोटे सामान के लिए किस पर, चाइना पर डिपेंड है। हमारा फोन है उसकी कॉस्ट कितनी है देख लो, और चाइना वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वो चाहे हम कहेंगे उनकी वस्तु भी टिकाऊ नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन एक वक्त जब आदमी वस्तु को खरीदता है वो ये देखता है कि मेरे पास न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, और कंपैरिजन करता है जब इंडिया वाले की और चाइना वाले की, तो ये समझ में आता है कि ये तो 10 गुना कॉस्ट इसकी ज्यादा है, कुछ दिन भी चलेगा तो भी मेरे लिए क्या रहेगा, कि वो वस्तु तो मुझे यूज करने के लिए मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि वो किसके कारण हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज के कारण हुआ, उनकी टेक्निक्स जापान है चाइना है, आज भी वो हमारे लिए सबसे बड़े शत्रु हैं कि हम उनके बराबर कॉस्ट ला ही नहीं पा रहे। तो वो तो नई नई टेक्निक्स का यूज करके अपनी कॉस्ट को इतना कम कर लेते हैं कि हम उनकी टक्कर में खड़े ही नहीं रहते। अब हम कहते हैं कि हमें अपने देश का सोचना चाहिए और हम देशभक्ति से प्रेरित होकर, लेकिन जो पुअर पीपल है उसके लिए देशभक्ति क्या है, वो ठीक है उसको मोबाइल लेना, हम कहते हैं हमारी कंपनी हमारे देश की कंपनी का मोबाइल लीजिए, लेकिन जब वो देखता है कि हम उनका 2000 में उसको मिल रहा है वो 6-7 हज़ार से कम नहीं, तो वो फिर देशभक्ति की भावना भूल करके क्या सोचता है, उस गुड्स के बारे में सोचता है। तो
तो जितने भी छोटे छोटे से खिलौने से लेकर हमारी दिवाली पर जड़ने वाली बत्तियां हैं, पटाखे हैं, ये सारे हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके कॉस्ट इतनी ज्यादा कम है, तो वो वहां से हम इसलिए परचेज करते हैं। तो ये किसके कारण है कि हमारी एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग, कि आज हम चाहिए कह दें कि हम बहुत बढ़िया टेक्निक्स आए, लेकिन एज कंपेरिजन टू अदर कंट्री हम आज भी क्या है, बैकवर्ड है टेक्नोलॉजी के केस में। आज भी हम जितनी कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब नहीं हो गए, आज भी हम उस प्रकार की गुड्स की फिनिशिंग जितनी बढ़िया बेटर वो दे पाते हैं उतनी हम बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, आज भी हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री है उनकी कमी है, जिसके कारण हमारे उद्योग में प्रोडक्शन कम होता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाती जहाँ वो गुड्स जो बनती हैं उनकी। तो आज भी हमारी घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, आज भी हमारी कॉस्ट हाई आ रही है। उसका कारण ये है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है आज भी हमारे देश में नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसका यातायात के साधन का लें, आज भी हमें सस्ते रेलवे नहीं उपलब्ध कर पाती, रेलवे की संख्या आज भी हमारे पास कम है, रेलवे के पास वैगन की संख्या कम है, तो उसके कारण कम कॉस्ट पर हमें वो नहीं अवेलेबल हो पाता। आज भी हमारे पास जहाजरानी की कमी है, आज भी हम जब दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो विदेशी जहाजरानी पर डिपेंड करते हैं, विदेशी जहाज पर से हम अपना सामान लाने का और ले जाने का कार्य करते हैं, तो फॉरेन करेंसी जिसको हम बचा सकते थे और रोजगार जो हमारे व्यक्ति चलाते हैं हमारी जहाज को, तो लोगों को रोजगार भी मिलता, वो दोनों ही ऑप्शन हमने क्या कर दिए यहाँ पर क्रॉस कर दिए, तो वो खत्म हो गए हमारे पर। हमारी पूंजी कहाँ पर जाती, फोरन में जाती, क्योंकि हम तो उनके जहाज का यूज करते हैं। आज भी हमारे जो हम कहें एनर्जी सोर्सेज हैं वो नहीं है, आज भी हम बात करें एनर्जी में बिजली की, तो आज भी हमारे देश में हमारे डिमांड को देखते हुए वो बिजली उतनी नहीं बन पाती, उसकी सप्लाई उतनी नहीं है जितने की डिमांड है, और सप्लाई नहीं है डिमांड है, डिमांड एक तो हमारे पास सप्लाई है नहीं, डिमांड ज़्यादा है। तो फिर सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि सरकार उद्योगों को बिजली बेचने की बजाय किसको, एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करवाती है कि चिपर रेट पर वो एग्रीकल्चर को देना बेस्ट समझती है। तो उद्योगों को आज भी हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो कम रेट पर नहीं मिल पाते, उनके लिए पर यूनिट जो बिजली उनको मिलती है वो हाई रेट पर मिलती है, तो हाई रेट पर मिलने से उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या वो हम कहते हैं कि डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं तो वो पहले से ही महंगा है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन चाहे वो हमारे पास सौर ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, जो भी हम बिजली के जितने भी स्रोत हैं वो हमने टेक्निक तो ढूंढ ली कि ऐसे सौर ऊर्जा है, लेकिन आज भी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, एज अ कमर्शियल यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक यूज हम सौर ऊर्जा का कर पा रहे, लेकिन कमर्शियल यूज तो कहीं भी नहीं हो रहा। तो उस प्रकार से हम कह रहे हैं कि आज भी वो इंडस्ट्री नहीं लगी है कि जिनके कारण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके का हमें मिल सकता है। तो किसी भी हम पर देख लें, हमारा जो आज भी हमारा जो अन्य फील्ड में हम देखते हैं आज भी वो उस दर के नहीं है जिस दर के हमें वो चाहिए हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको वो फैसिलिटी मिल पाती है आज भी हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही। फिर है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिएगा, हम पहले ही देख चुके हैं कि 1991 में जो है हमारे हमने मजबूर होकर नई आर्थिक नीति या नए आर्थिक सुधार किए थे, तो नई जो नीति अपनाई थी वो एलपीजी नीति है। ये एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल से करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें के कारण क्या हुआ, आज हम उनको फॉलो करें, आज हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आज हम गेट के सदस्य हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, तो बेरोक टोक हमारा आना जाना है बहुत सारे देशों के साथ, बेरोक टोक हम व्यापार कर सकते हैं। तो जो बंदिशें थी वो तो आज हमने सारी समाप्त कर दी, उसके कारण हमारा जो लेवल है वो क्या हो गया, राइज। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली, पहचान मिली है कि हमारा आईटी जो उद्योग है वो विश्व स्तर का है, हमारी जो कई चीजें हैं जिनको दुनिया में पहचाना जाता है ये इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, तो उससे हमारा जो कॉम्पिटेटिव लेवल था वो इंक्रीज हो गया। जो पहले हम बिल्कुल घटिया स्तर की वस्तुएं बनाते थे
क्योंकि जब पहले हमने अपने उद्योगों को क्या किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था, हम दूसरों के साथ मिलजुल नहीं रखे हुए थे। लेकिन एलपीजी नीतियों के कारण हम कहेंगे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमारी गुड्स का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, हमारा आईटी उद्योग पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, आज हमें पहचान मिली कि भारत 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। तो ये क्या है, हमारी आज की फीचर्स हैं जो आज हमारी इंडस्ट्री चल रही है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।